यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे मेघालय के राज्यपाल वी षणमुगनाथन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि राजभवन के कर्मियों के एक समूह ने उन पर कार्यालय की गरिमा से गंभीर समझौता करने का आरोप लगाया था। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी। कर्मचारियों का आरोप था कि राज्यपाल की हरकतों से राजभवन की प्रतिष्ठा और राजभवन के कर्मचारियों की भावनाएं आहत हुई हैं। चिट्ठी में लिखा गया था कि गंभीर रूप से राजभवन की प्रतिष्ठा की अनदेखी की गई है और इसे एक यंग लेडीज क्लब बनाकर रख दिया गया है, जिससे राजभवन के कर्मचारियों को मानसिक तनाव और तकलीफ हुई है। यहाँ तक कि नौकरी पाने की प्रत्याशी एक महिला ने भी राज्यपाल पर आरोप लगाया था कि वह जब राजभवन में साक्षात्कार देने आई थी तो राज्यपाल ने उसके साथ अनुचित व्यवहार किया था। इन तमाम आरोपों के बीच राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि खुद पर लगे आरोपों को उन्होंने बेबुनियाद बताया है। आपको बता दें कि षणमुगनाथन ने 20 मई 2015 को मेघालय के राज्यपाल का पद संभाला था और 13 सितंबर 2016 से वो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे। तो मेघालय के राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उन पर काफ़ी गंभीर आरोप लगे हैं। हालांकि उन्होंने खुद पर लगे तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है, लेकिन सच क्या है ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। देखते रहिए डीबी लाइव।